इसका वेलकम है हमारे डे 9 की वीडियो पे, जिसमें आपको सिखाने जा रहे हैं हम आपको स्ट्राइकिंग कॉम्बिनेशंस, जो बेसिक कॉम्बिनेशन है एकदम, जो एकदम स्टार्टिंग में कॉम्बिनेशन आपको करने, जैसे कि मैंने आपको पंचेस सिखाए हुए हैं तो उन्हीं का कॉम्बिनेशन हमें बनाना है। अगर अभी तक आपने पंचेस के नहीं सीखे हैं तो उनका वीडियो पे लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह देखो, ताकि आप दोनों सीख सको, फिर उसके बाद में कॉम्बिनेशन को आपको ट्राई करें। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा हमारा, स्ट्रेट जैब और क्रॉस का। तो जैब क्रॉस, तो जैब दोनों पंच को आपको एक साथ करना है, और जो है आपका टारगेट होगा, टारगेट मेरा एक ही रहेगा। आपको जैसे मैंने पंच करते हुए बताया था, आपको अपनी बॉडी से ट्राइंगल बनाना है, जो एक टारगेट है मेरे शोल्डर पे गया एक पॉइंट, एक दूसरे शोल्डर पे और एक लाइन ऐसे, तो टारगेट आपको एक ही रखना है, तो उसके साथ आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी, रेडी। तो जय क्रॉस, जय क्रॉस, ठीक है। बॉडी में एक बार फिर से अंतर बता देता हूं आपको, पंच करते हैं जो आपकी पावर जनरेट करे वो आपके हिप्स और लेग्स और ओब्लिक्स, ये रोटेशन पावर जो जनरेट कर रहे हैं वो मैक्सिमम पावर आपको जनरेट करे शोल्डर के साथ मिलकर। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा हमारा, जैब क्रॉस, जैब क्रॉस, आप अपनी स्पीड बढ़ाते जाओगे। इसी के साथ ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन, बेसिक कॉम्बिनेशन वन। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या होगा आपका, स्ट्रेट पंचेस के साथ हुक पंच। तो स्ट्रेट पंचेस तो हमारे ये हो गए जैब क्रॉस, तो जैब क्रॉस तो सेम वही रहेगा, बस इसको हम और बड़ा कर देंगे। तो जैब क्रॉस पहले, जैब क्रॉस, क्रॉस के बाद आपको हिट करना है हुक, लीड हुक सिर्फ एक, ठीक है। थर्ड पंच क्या हो जाएगा हमारा, थ्री पंच कॉम्बिनेशन होगा आपके, जैब क्रॉस, ठीक है। बॉडी रोटेशनल पावर को जरूर यूज करना आपको, उसके बिना आपका पंच पावरफुल नहीं हो पाएगा। तो अपने ओब्लिक्स कोर को एकदम टाइट रख के ओब्लिक्स के साथ हिप को टर्न करना है, ताकि आप मैक्सिमम पावर को जनरेट कर सको। तो सेकंड कॉम्बिनेशन आराम से बताता हूं आपको, जैब स्ट्रेट पंचेस हो गए, थर्ड कॉम्बिनेशन आपका हुक में आप ऐसे फेंक कर सकते हो, ऐसे फेंक कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल हो, ज्यादा पावर जिसमें आप जनरेट कर पा रहे हो उस तरीके से आप। एक बार स्लो तीनों पंच एक साथ, जैब क्रॉस, तो स्लो ऐसे स्लो स्टार्ट करना आपको, जैब क्रॉस स्लो एकदम, पहले रिदम बनानी है अपनी बॉडी का, कोऑर्डिनेशन बनाना है, जैब क्रॉस, फिर उसके साथ स्पीड बढ़ानी है, जैब क्रॉस हो, स्पीड जब आने लगे फिर आपको उसमें डालनी है पावर, लास्ट काम करना है पावर के साथ, रेडी, पावर और स्पीड दोनों, रेडी, ओके, रेडी, लास्ट टाइम, वेरी गुड। तो ये आपकी धीरे धीरे पावर और स्पीड दोनों आपको बढ़ानी, स्लो स्टार्ट करना पहले वन बाय वन, तीनों पंच एक साथ, फिर उसके बाद हल्की हल्की स्पीड बढ़ानी है, रिदम बढ़ानी है, कोऑर्डिनेशन बढ़ानी है, फिर स्पीड और ज्यादा, फिर स्पीड के बाद पावर। तो ये हो गया आपका सेकंड बेसिक कॉम्बिनेशन। थर्ड कॉम्बिनेशन जो होगा आपका, स्ट्रेट पंच और हुक के साथ। तो इसमें क्या होगा आपका, स्ट्रेट पंच दो बार, क्रॉस पंच, हुक, क्रॉस, तो क्रॉस हुक क्रॉस, क्रॉस हुक क्रॉस, बॉडी सेम चीजें वही याद रखनी है आपको, साथ बार बार बता रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन और रिदम बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं हो कि करो टू हुक के लिए रुक रहे हो फिर टू हुक मारो, तीनों गज ऐसे लेने चाहिए एक के बाद एक, ये भी ना हो कि एक साथ मारो कि करो ये एक साथ मारने की कोशिश करनी, लाइन से वन बाय वन जैसे बोले सुन दुख 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 ऐसे मारते हैं। तो जैब क्रॉस स्लो स्टार्ट करना, रिदम बैठाने की कोऑर्डिनेशन बैठाने की बॉडी की, जैब क्रॉस 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 क्रॉस, ठीक है। अब स्पीड बढ़ाएंगे इसमें, क्रॉस पावर भी आएगी, स्पीड रूम का सिग्नल बना दो, वेरी गुड। अब लाएंगे इसके अंदर पावर, रेडी गो, इसी के साथ आपके तीन बेसिक कॉम्बिनेशन आज मैंने आपको सिखाए हैं।
इनको प्रैक्टिस करो, रिदम बनाओ, कोऑर्डिनेशन बनाओ और मैक्सिमम पावर जनरेट करने की कोशिश करो। इसी के साथ आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को देखो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ और कुछ आपको कमी लग रही हो, कुछ और चीज़ आपको सीखनी हो और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो, ताकि एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर सकें कम्युनिटी को, जिसमें हम मार्शल भी रेडी हों, योगी की तरह स्ट्रॉन्ग माइंड की तरह भी रेडी हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।